नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल में निकली भर्ती के बारे में, यानी मध्य। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलिए, हम नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, शिवाजी नगर भोपाल में है ये, ठीक है। विज्ञप्ति की बात करें तो ये दोस्तों 20/11/2024 को जारी हो गई थी, ठीक है। 20/11/2024 को ये विज्ञप्ति जारी हो गई थी दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक हेल्पलाइन सेवाओं के संचालन हेतु अनुभवी एवं पात्र परामर्शदाताओं से पारिश्रमिक आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक आप इसमें काम कर सकते हैं। योग्यता और अर्हता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपको होनी चाहिए। शालेय विद्यालयों की अकादमी काउंसलिंग का न्यूनतम 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। और आवेदक की आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आप 55 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आप कहां से देख सकते हैं, तो आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, चयन प्रक्रिया तथा कार्य की अन्य शर्तें मंडल की वेबसाइट mpbse.nic.in पर उपलब्ध हैं। यहां से आप निर्धारित प्रारूप, चयन प्रक्रिया, कार्य की अन्य शर्तें सभी चेक कर सकते हैं दोस्तों। एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल स्थित विज्ञान केंद्र समकक्ष में कार्यालयीन समय पर भी आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि आवेदन आप किस प्रकार से करना है, तो आवेदन के लिए दोस्तों अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आपको ये ऑफलाइन आवेदन जमा करना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना, ठीक है। आपको ऑफलाइन आवेदन जमा करने जाना होगा, तो कहाँ पर जाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल स्थित विज्ञान केंद्र कक्ष में दिनांक 11/12/2024 यानी 11 दिसंबर 2024 के पहले कार्यालयीन समय में, मतलब जिस दिन अवकाश ना हो, 5:30 बजे से पहले जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार संबंधित सूचना ईमेल पर दी जाएगी। अगर आपका चयन साक्षात्कार के लिए होता है तो आपको ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। चयनित परामर्शदाताओं को मंडल परिसर भोपाल में उपस्थित रहकर हेल्पलाइन सेवा का कार्य संपादित करना होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंडल परिसर में उपस्थित रहकर ही हेल्पलाइन सेवा का कार्य संपादित, यानी हेल्पलाइन सेवा का कार्य पूरा करना होगा। तो दोस्तों इसमें चयन की अगर हम बात करें तो साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन होगा। जैसे कि आपको बताया, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं और आपका चयन होता है इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो आपको ईमेल द्वारा सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर इसमें आवेदन पत्र डाउनलोड कर कार्यालय समय में भोपाल में जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप जरूर ज्वाइन करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।